हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिंह किचन जी में। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों पास्ता। और इस पास्ता बनाने के लिए देखिए, हम कढ़ाई लिए हैं और कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे। थोड़ा कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। और 2 बूंद तेल डाल देंगे और 1/2 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। और फिर इसमें हम पास्ता डाल के उबाल लेंगे। पास्ता को फिर हम मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने देंगे। फिर देखिए, पास्ता हम चेक कर लिए हैं, पास्ता पक चुका है। फिर इसको छान देंगे। और ये हम 2 शिमला मिर्च लिए हैं, 1/2 पत्ता गोभी लिए हैं, 3 हरी मिर्च लिए हैं और प्याज लिए हैं 2 हम। और कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे 2-3 चम्मच। और तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के इसको हम भूंज लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। 1-2 मिनट इसको भूंज लेंगे हम। देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है। फिर हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे। फिर शिमला मिर्च डाल देंगे। डाल के हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हम टमाटर डाल देंगे। अगर यदि आपको टमाटर पसंद नहीं होगा तो आप स्किप कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल रहे हैं और इसमें हम मसाला डाल रहे हैं। आप घर का मसाला चाहे जो भी हो आपके पास डाल दीजिएगा, गरम मसाला। और इसमें हम अब सॉस मिलाएंगे। हम 1 चम्मच चिली सॉस मिला रहे हैं और 2 चम्मच टमाटो सॉस और 1 चम्मच हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं। और सोया सॉस हम इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं। यदि आपको सॉस नहीं पसंद होगा तो आप मत डालिएगा, केवल सब्ज़ी डाल के, मसाला डाल के पास्ता बना लीजिएगा। फिर हम इसमें पास्ता डाल लेंगे। फिर पास्ता को हम मिक्स कर देंगे। सब्ज़ी डाल के पास्ता बनाने पर एकदम चाउमीन जैसा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा बनता है दोस्तों। आप इसी तरह बनाइए और खाइए और कमेंट करके बताइए कि आप कैसे बनाते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।